झारखंड में 1932 आधारित खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति लागू करने को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा 19 अप्रैल को बुलाए गए। झारखंड बंद बिशुनपुर प्रखंड में असरदार रहा। बॉक्साइड ट्रकों का परिचालन पूरी तरह ठप रहा। वहीं व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रहा। सरकारी कामकाज में भी बंद का असर देखने को मिला। बंद की सफलता के लिए छात्र सुबह के 9 बजे सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्ण तरीके से घाघरा नेतरहाट मुख्य मार्ग जाम कर दिया, जिससे सड़कों के दोनों ओर बॉक्साइड ट्रकों की लंबी लाइन है लगी रही। वहीं बंद के कारण सरकार को भी राजस्व की भारी क्षति होने की संभावना भी प्रबल हो गई। वहीं बंद समर्थक छात्रों के द्वारा आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया था। इधर रोहित रोशन भगत ने कहा कि झारखंड नियोजन नीति 60/40 के विरोध में 72 घंटे का आंदोलन सोमवार से ही शुरू हो गया था, जिसमें सीएम आवास घेराव, मशाल जुलूस, झारखंड बंद आदि कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के छात्रों के खिलाफ बर्बरतापूर्ण रवैया अपना रही है। यदि छात्रों को भारत का निवासी ही मानना है तो झारखंड क्यों बनाया गया? झारखंड अलग राज्य की लड़ाई क्यों लड़ी गई थी? सभी राज्यों में ग्रेड 3 और 4 में 100% नियुक्ति स्थानीय की होती है। और इधर झारखंड में वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के कारण 60/40 वाली नियोजन नीति के आधार पर सरकार बहाली निकाल रही है, ताकि दूसरे राज्य के लोग ज्यादातर नौकरी में आ सके। राज्य के छात्र लगातार 60/40 के खिलाफ और खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, छात्र आंदोलन करते रहेंगे। आज छात्र यूनियन संघ के द्वारा पूरे झारखंड में बंद का आह्वान किया गया है, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा 60/40 जो नीति लाई है वो हमारे लिए, छात्रों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा नहीं होने वाला है, जिसके कारण से आज पूरे झारखंड में छात्र संघ के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। उसी के निमित्त आज बिशुनपुर प्रखंड में जितने भी छात्र हैं, सभी लोग मिलकर और जितने भी व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, सभी लोग आज के बंदी को समर्थन कर रहे हैं। पूरे यहां से लेके रांची तक जगह जगह में बस बंदी है, ट्रक बंदी है, और जितना भी दुकान है, किराना दुकान हो या तो मार्केट हो, सारे कुछ को आज बंद किया गया है। इसी निमित्त हम लोग भी बिशुनपुर प्रखंड में छात्रों के द्वारा बंदी का समर्थन कर रहे हैं। सरकार के विरोध, झारखंड सरकार के विरोध में हम छात्र के लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि 60 और 40 की जो नीति सरकार लाई हुई है, जिससे हम झारखंडियों की पूरी तरह से अवहेलना हो रही है। और जो 40 है वो पूरे ऑल झारखंड के लिए ओपन कर दिया गया है, जिसमें हमारा पूरी तरह से हक मारा जा रहा है। इसके विरोध में हमने ये बंद का घोषणा करते हुए आज बंद का समर्थन कर रहे हैं, और इसमें हमारे सभी झारखंडियों का सहयोग रहा। व्यापारी वर्ग सभी अपने मन से दुकान बंद किए, और आज हमारा ये बॉक्साइट का क्षेत्र है, और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को इससे बहुत ज़्यादा रॉयल्टी मिलती है, और हम लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गलत नीति हम पर थोपा जा रहा है वो वापस ले, ताकि हमारे झारखंडियों का कल्याण हो। इसी के विरोध में हमने ये बंद रखा, और जितने भी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं उनका हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज 60/40 जो सरकार नियोजन नीति लेकर के आई नहीं है, वो झारखंडी छात्रों के ऊपर जो थोपा गया है, उसी के विरोध में आज बिशुनपुर बनारी से लेके महुआदाण तक ये हम लोग रोड जाम किए हैं, बंदी किए हैं, जिसमें हमारे बिशुनपुर के व्यापारी बंधु, बनारी के व्यापारी बंधु और तमाम सभी लोगों का इसमें सहयोग हम लोग को मिला। हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो सरकार की नीति बनाई है 60/40, जो हम लोग के झारखंड के छात्रों के लिए सही नीति नहीं है। इसमें जैसे बाहरी लोग
हमको 40% के जो सरकार देने की कह रही है उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। और आज इसी का यहाँ लेके बिशनपुर प्रखंड मुख्यालय में बंदी रखा गया है, जिसमें हमारे व्यापारी बंधु एवं जितना भी यहाँ बॉक्साइट का ढुलाई होती है वो सब सारे बंद है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।